मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। मुंबई पुलिस ने 9 घंटे तक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और एमएलए बेटे नितेश राणे से की पूछताछ। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सौंपा 25 लाख का चेक। पिछले 7 दिनों में रोमानिया और मोल्दोवा से निकाले गए 6000 से ज्यादा भारतीय केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। खारकी और पेसू चीन से निकाले गए सभी भारतीय सुमी में फंसे छात्रों को निकालने के लिए कई विकल्पों पर विचार। भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास, बैठक में रेल और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने संकल्प पत्र पर काम किया, 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश भयमुक्त तथा दंगा मुक्त। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, ये हमारा कमिटमेंट। अयोध्या में जज के परिवार पर हमला, जमानत पर छूटे अभियुक्त ने पत्नी 25 को कार के। स्वाति चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार थमा, 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में 7 को पोलिंग। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल। जेलेंस्की ने की बाइडेन से बात, आर्थिक सहायता और रूस के खिलाफ प्रतिबंध जारी रखने की मांग। यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के खिलाफ पुतिन की चेतावनी, अगर किसी देश ने ऐसा किया तो माना जाएगा दुश्मन। रूस से रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। एफएटीएफ की निगरानी सूची, सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाले देशों में शामिल हुआ पाकिस्तान, एजेंसी की ग्रे लिस्ट में भी होगा शामिल। उत्तर कोरिया में स्पा भाई सैटेलाइट टेस्टा ने बढ़ाई कई देशों की धड़कने, आने वाले दिनों में कर सकता है बड़ा धमाका। स्मृति मंथाना ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया अर्धशतक। रवीन जडेजा ने बताया, रोहित शर्मा ने उनका दोहरा शतक पूरा होने से पहले ही क्यू की पारी की घोषणा। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 245 रन का टारगेट दिया, पुजार्स ने लगाया अर्धशतक। भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ करना चाहेगी अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत। मैच के दूसरे दिन मैदान में उतरने से पहले टीम इंडिया ने दी विराट को गार्ड ऑफ ऑनर। बड़े ही मजेदार तरीके से जानवी कपूर ने मनाया अपना जन्मदिन, पेपराजी ने भी एक्ट्रेस को दी शुभकामनाएं। सिंगर शान ने सुनाया मजेदार किस्सा, बोले क्रेन में लटका कर पूजा शो कराया, खोला अपना यूट्यूब चैनल। अमेज़न प्राइम की तांडव 2 पर शिजान आयूब ने दिया लेटेस्ट अपडेट, बताया कब शुरू होगी शूटिंग। बॉलीवुड में कदम रखने जा रही आमिर खान की बेटी आयरा खान ने कैरियर को लेकर किया बड़ा खुलासा।
मान पर निशाना कंटेस्टेंट पर जमकर लगाई क्लास। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।